आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर इंदौर की है, जहां कलेक्टर कार्यालय साहक वर्ग 3 बाबू मिलाप चौहान द्वारा प्राकृतिक आपदा व कोरोना की राशि के गलत मामले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं 3 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय के पदस्थ बाबू मिलाप चौहान को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हेराफेरी के आरोप में कलेक्टर इलियारा राजा पीने ने तुरंत पद से निलंबित कर दिया। वहीं फिलहाल निलंबित बाबू मिलाप चौहान पर जांच की जा रही है। लगातार है ना काम किया, आई थिंक पूरा कल भी है ना, पूरा दिन भर इन लोगों ने किए हैं और ज़्यादा है ना राशि का है ना गबन का है ना मामला है ना सामने आए हैं। मुझे लग रहा है अभी ये राशि है मतलब 3 करोड़ के आसपास तक है ना पहुँची है, कहाँ तक समझ रहा हूँ। बट है ना जब है ना हमारी पूरी टीम प्रॉपरली है ना डिटेल जांच करके रिपोर्ट देगा, फाइनल चीज़ें ना सामने आएगा। बट अभी तक मुझे लग रहा है इवन 3 करोड़ तक भी है ना इन्होंने ना गबन किया है, अपना है ना रिश्तेदारों का, अपने परिचितों का और अपना वाइफ का है ना खाते है ना एंट्री करके किया है। ये मोस्टली 2021 ना मतलब है ना कोविड पीरियड है, 21-22 इस पीरियड पे किया है, बट उन्होंने कंटिन्यू रखा 2015 से पदस्थ है। सो हम लोग है ना पूरी मामला का है ना मतलब है ना इनकी पूरी पीरियड है, पदस्थ हुआ पीरियड है, वो पूरी है ना पीरियड को हम लोग जांच करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।